वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकु चौधरी रिएक्शन। मैं हूँ नताशा। बात करेंगे यहाँ पे पम्मी प्रेरणा के बारे में। आखिरकार अब क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, अब क्या चीज़ें हो रही है? वही चीज़ें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई सोशल मीडिया पर जो औरतें हैं ना, कुछ लेडीज इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है, इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि वो मतलब उनको देख के ऐसा लगने लगता है कि ये क्या है, ये क्या है। मतलब जहां पर ना वो औरतें, हालत ये है कि अपने आप को अबला दिखा के एक्चुअली में झबला निकलती है। ये चीजें हो रही है यहाँ पे सोशल मीडिया पे। जो एक कहते हैं ना एकता कपूर के सीरियल में एक जो वैम्प वाला जो रोल निभाती है वो खमोली का, इस टाइप की लेडीज, तो पहले ऐसा लगता था वो सीरियल देख के कि नहीं ऐसी लेडीज हो ही नहीं सकती, ऐसी हो ही नहीं सकती। लेकिन सच बताऊं, अगर सोशल मीडिया पर देखोगे तो घर घर ऐसी लेडी भरी पड़ी है, सच्ची में। स्पेशली ब्लॉगर्स की जिंदगी में भैया ऐसा लगता है कि जो ये अदर कंटेंट क्रिएटर हैं इनकी जिंदगी में सब कुछ सही है, लेकिन ब्लॉगर्स की जिंदगी में सब कुछ पनौती है भाई। इनकी जिंदगी में पनौती ही पनौती है, इनकी जिंदगी में कुछ सही क्यों नहीं चलता? या तो इनकी जिंदगी में बिल्कुल अच्छा चलेगा, शादी और पार्टीज, बर्थडे, भाई इनके बच्चे होंगे तब भी इतना बड़ा वो करेंगे, ये सब चीजें होंगी, भाई इनके यहाँ प्रेगनेंसी की न्यूज होगी जब भी होगी, चले तो खुशी की चीज है। लेकिन इनके यहाँ पे अगर पड़ोसियों के यहाँ भी साइकिल आ रही है ना, ये उसमें भी ये साइकिल पता लगा पड़ोसियों के यहाँ आई, तो भैया ये हालत हो रही है यहाँ पे ब्लॉगिंग की। खुशी या तो अत्यंत खुशी होंगे या फिर अत्यंत दुखी। हाय आज हुआ कार का एक्सीडेंट, मैंने क्या देख लिया, पता चला भैया रास्ते में जा रहे थे किसी कार का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, उसकी वीडियो उसका बना रहे हैं। मतलब पब्लिक परेशान, इनके जो सब्सक्राइबर हैं, इनको जिनको ये फैमिली 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 बोलते हैं, उनको डिप्रेशन देने का कोई मौका नहीं छोड़ते ये ब्लॉगर्स। जहां देखो वहां से पकड़ के डिप्रेशन लेते हैं। लेकिन भैया जितनी खतरनाक महिलाएं सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है ना, 1, 2, 3, 4 भैया इतनी ज्यादा देख ली ना, अब तो डर लगने लगा हैला इका देख ली। ऐसे ही एक ब्लॉगर का नाम आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बहुत खतरनाक है, ये है वो है, बट अभी जो पम्मी के साथ वो कर रही है, अपने हस्बैंड के साथ वो कर रही है, वो चीजें जरूर बहुत गलत हैं। आप किसी इंसान के साथ में अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, तब तक वो अच्छा होता है जब घर वाले बुरे होते हैं, है ना? आप खुद सोचो, कोई लड़की किसी लड़के के साथ तभी तो भागेगी ना जब उसको घर में कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर लड़के से ज्यादा प्यार होगा। ऐवे ही तो नहीं कि भाई वो घर में भी खुश है, लड़के से भी प्यार नहीं, ऐवे भागी जा रही है, मस्ती में भाग गई, ऐसा तो नहीं होता, कुछ रीजन होगा, है ना? भागेगी, उसके बाद शादी, बच्चे कर लेगी, शादी कर लेगी, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में इतनी कमियां क्यों दिखने लगती है? एक चीज मान ली कि भाई अरेंज मैरिज में तो घर वाले शादी करवा देते हैं, फिर पता चलता है ये क्या क्या हो रहा है हमारे साथ में। लेकिन लव मैरिज में तो इस तरीके से भाग के अगर कोई शादी करा तो बहुत सोच समझ के शादी करेगा ना। उसके बाद में इस तरीके से किसी इंसान के साथ बिहेवियर करना, इस तरीके की चीजें किसी इंसान के साथ में होना, वो इंसान जब तक क्यों सही रहता है इन लड़कियों की जिंदगी में, इन लोगों की जिंदगी में, जब तक इनके घर वाले इनको अंधाधुंध सपोर्ट ना करें? ये कभी सोचा है? कुछ व्लॉगर्स ऐसे हैं जो कि भागे हैं अपने घर से, लेडीज वो रोती हैं, हम भाग गए, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे घर वाले ये है वो है। वो कभी पति के लिए रोती हुई नजर नहीं आएगी। अगर पति के लिए रोती भी नजर आएगी फिर भी कहेगी कि मैं यहां रहूंगी, मैं ठीक हूं। लेकिन जो भागी है उसके बाद में वो जब तक ही अपने पति के साथ खुश दिखाई देती है जब तक उसका घर वालों का आना जाना ना हो। जहां घर वालों का आना जाना हुआ, घर वालों ने भाव देना शुरू करा, घर वालों ने जरूरत से ज्यादा चढ़ाना शुरू करा, भैया इनको पति बुरा लगने लगता है? ऐसा क्यों? क्या उस इंसान ने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया रियली में?
उसके ऊपर अलग अलग एलिगेशन लगा दिए गए कि ये तो मारपीट करता है, ये तो ये करता है, ये तो वो करता है। ये वही इंसान है ना जिसका दूसरों से मारपीट करना तुम्हें पसंद था, क्योंकि वो तुम्हारे लिए करता था। इस चीज के तो कोई भी सबूत नहीं आया। जो एलिगेशन आप लगा रहे हो अपने ही हस्बैंड पर, उनके एटलीस्ट सबूत तो दो कि हाँ वो इंसान ऐसा है। जब आप किसी पर एलिगेशंस लगा रहे हो बिना सबूत के और वो चीज प्रूफ भी नहीं हो रही है, सोशल मीडिया पर हर कोई उनको इतने टाइम से जो देखता है सबको यही लग रहा है कि पम्मी गलत नहीं है, फिर आप किस चीज से उम्मीद कर रहे हो? या तो आप सबूत दो, जब आपके साथ मारपीट हुई थी उस वक्त के सबूत दो, या फिर कुछ चीजों के सबूत दो, जैसे कि आपने नया एलिगेशन लगाया है आपकी फैमिली की तरफ से उनके यहाँ पे कि उनका तो किसी से अफेयर है, कोई और लड़की उनके लाइफ में है। ऐसे नहीं होते अफेयर वाले बहन, ऐसे होते ही नहीं है। लोग जिनके अफेयर चलते हैं वो लोग अलग ही होते हैं, उनके तो हाव भाव बदल जाता है भाई। वो तुम्हारे लिए इतना परेशान ना होता आदमी। अभी भी मैंने इस बंदे की एक चीज गौर की है, इसने उस लड़की के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा इतने टाइम में भी, इतने एलिगेशंस खुद पे झेलने के बाद भी। वो इंसान गलत नहीं है बहन, हम ये नहीं कहेंगे तुम गलत हो, बहुत ज्यादा गलत हो, पर तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है शायद इस वक्त कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि तुम्हारा माइंड वॉश कर दिया गया है। तो थोड़ा तो समझने की कोशिश करो, क्या तुम्हारी लाइफ में वो इंसान इतने दिनों से था तुम्हें तुम उसको समझ नहीं पाई? जब सोशल मीडिया पर उनको इतना अंधा सपोर्ट मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, लोग समझते हैं, तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो उस इंसान को? क्या फायदा है ये बताओ, क्या फायदा है इन चीजों से? आप तो अपनी फैमिली के पास में हो, ठीक है, वो अपनी फैमिली के पास में है, बट आपके पास सबसे बड़ी चीज है आपकी बेटी। वो इंसान अपनी बेटी के लिए भी तरस रहा है सिर्फ क्योंकि आप माँ हो, आपको इतना हक दे दिया कि आप एक पिता को अपनी बेटी से दूर कर दोगे। प्रॉब्लम तो यह है कि हमारा कानून भी ये कहता है कि जब तक बच्चा 10 साल का ना हो वो माँ के पास रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाप को क्यों यह हक नहीं दिया जाता? मैं ये नहीं कहती कि माँ से बच्चों को छीन लो, लेकिन यार एटलीस्ट मिलने तो दो। तुम इतना भी क्या दुश्मनी निभा रहे हो भाई? ऐसा भी क्या प्यार था जो आज दुश्मनी बन गई तुम्हारी? उसके कैरेक्टर तक पर तुम पहुंच गए, उसको कहां तक डिफेम करने की कोशिश करोगे? लेकिन फिर भी वो सही साबित हो रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये चीजें जो सामने आ रही है ना, वो सिर्फ वीडियोस देख के नहीं मैं बोल रही हूं कि वीडियोस देख लिया मैंने और इसलिए मैं बोल रही हूं सपोर्ट में पम्मी के, नहीं भाई, बहुत सी चीजें बैक से भी आती है। इनके गांव से ऐसे ऐसी चीजें आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही है। कैरेक्टर पर किसी की बात नहीं आ रही, लेकिन इतना जरूर आ रहा है कि पम्मी गलत इंसान नहीं है, पम्मी गलत नहीं है। हर कोई झूठ थोड़ी ना बोलेगा भाई, हर कोई झूठा है, बट आप सच्चे हो। और जो लोग आकर मेरे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं अपना घर देखो अपना घर देखो, तो आप भी तो अपना घर नहीं देख रहे हो, तभी तो आप दूसरों का घर देखते हो, तभी तो आपको पता चल रहा है कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। आपको बहुत इंटरेस्ट है दूसरों का घर देखने में, लेकिन हमने देख लिया, हमने उस पर टिप्पणी कर दी और सही बात को सही बोल दिया, तो आपको प्रॉब्लम है। जब कोई अपने घर को खोल के पूरा गेट के अंदर कह रहा है इधर आओ इधर आओ उधर आओ, देख मेरे घर में क्या हो रहा है, देख देख वो आदमी ना ऐसा कर रहा है, हैं? जब कोई इंसान हमें इनवाइट करके जबरदस्ती दिखा रहा है तो वो तुम्हारी आदत होगी, तो क्यों तुम चुप करके निकल जाओगे? हम जहां गलत देखते हैं हम वहां बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं रिएक्शन। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है ना, तो अपनी प्रॉब्लम अपने जेब में रखे। मैं लास्ट में यही कहूंगी कि हम उम्मीद करते हैं इनका घर कभी सवर जाए, कभी सवर जाए इनका घर, क्योंकि एक बाप से उसकी बेटी को जुदा करना इतना ही गलत है जितना एक माँ से एक बच्ची को जुदा करना। बच्ची के लिए तो एटलीस्ट तुम लोग सोचो, तुम्हें अगर इतना प्यार होता ना अपनी बच्ची से तो तुम सोचते बच्ची के लिए, तो थोड़ा सोचो बच्ची के लिए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।